हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत। लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमें दर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंसेस का, हमें दर्स दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हमें दर्स दिया जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर का, वॉर स्ट्रेटेजी, हमें दर्स दिया जा रहा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का, जिन्होंने तीन बड़े आजमों पर राज किया है जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड हुए, हमें दर्स दिया। और हमारी भी बदबख्ती देखें कि हमें ही दर्स दिया जा रहा है, हमें ही दर्स दिया जा रहा है जिन्होंने दर्स का सीगा पढ़ाया था कभी किसी। तो मुझे कुरान में एक आयत मिली जिससे वो मसला हल हो, हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्ड इन कुरान। घर बर्बाद हैं, हल मिल जाएगा, औलादें कहे काये में नहीं है, हल मिल जाएगा, मनफियत है वहीं से मसला, हसद है, बुगज है, दुश्मन दोस्त नहीं बन रहे, दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। पूरी दुनिया का हाल है उस आयत में, उस फॉर्मेट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फौज खड़ी की जिन्हें मारा नहीं जा सका, दे स्टिल अलाइव। लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीना, अगर ईमान वालों पे अल्लाह की कोई मर्सी खड़ी है ना, कोई कोई इनाम खड़ा है तेरे ऊपर, इज वासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं किया, आई डिड नॉट लीव यू टू योर ओन इंटेलेक्ट, मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं दिया कि तू ये उसूल और कानून और सवाबित और कुलियात और जुजियात को कैसे मजबूत करके एक फलसफा खड़ा करे, मैंने तुझे नबी भेजा, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि मैंने तुझे नबी मिन अनफुसिहिम, तुम में से ही ऐसा कलाम खड़ा किया मैंने, तुम ही में से मैंने मिजाज खड़ा किया है, तुम ही में से मैंने एक समाज खड़ा किया और तुम ही में से मैंने एक रिवाज खड़ा किया।